हेलो दोस्तों, मेरे पास आज सैमसंग कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम 21 इंची का टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये जो टीवी है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है और वाइट कलर की रिट्रेस लाइन आ रही है। सॉरी दोस्तों, मैं रिपेयर करते वक्त आपको ये वीडियो शूट नहीं करके दिखा पाया, तो मैं बाद में आपको बता देता हूँ कि किस कंपोनेंट के ख़राब हो जाने के कारण हमारी इस टीवी में ब्लू स्क्रीन वाइट रिट्रेस लाइन के साथ आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इसमें 23-30 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, तो इसके दो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुके थे, ग्रीन और रेड कलर का। केवल ब्लू कलर का सही था, तो मैंने 23-30 ट्रांजिस्टर की जगह पर 22-29 ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं। दोनों के कलेक्टर बेस एमिटर एक जैसे होते हैं और हम एक दूसरे की जगह पर ना यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने दोनों चेंज कर दिए हैं। अब मैं इस बेस को लगा देता हूँ और फिर मैं आपको टीवी चेक करके दिखाऊंगा कि टीवी हमारा वर्क कर रही है या नहीं कर रही है वर्क। ये बेस हमारा अच्छी तरह से लग गया है, बेस बोर्ड कहते हैं इसे। और ये मैं जो हमारा पिक्चर ट्यूब होता है उसका अर्थिंग वायर, हम यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से लगा देंगे। ये हमें दोस्तों बड़े ही ध्यान से लगाना है, बिना इसके हमें टीवी ऑन नहीं करना है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। हमारा सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, पूरे कलर ओरिजिनल आ रहे हैं जैसे आने चाहिए, रेड ग्रीन और ब्लू कलर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रिपेयरिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे ऐसे ही रिपेयरिंग से जुड़े हुए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।